हिमाचल में कर्फ्यू ढील बढ़ी, जाने कौन से जिले में कितने घंटे खुली रहेंगी दुकानें। अगली बड़ी खबर है, बाहर से लोगों को SMS से मिलेगी नौकरी की सूचना। हिमाचल में 28 जून तक दस्तक दे सकता है मानसून, जुलाई में लिया जाएगा शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला। अगली खबर है, प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर 43 रुपये, व्यावसायिक सिलेंडर 110 रुपये महंगा। अगली बड़ी खबर है, हिमाचल में 9 नए कोरोना संक्रमित, अब 340 पहुंचा आंकड़ा। अगली खबर है, इस दिन होगी DLED की कॉमन प्रवेश परीक्षा, कृषि विश्वविद्यालय ने दाखिले के लिए मांगे आवेदन। अगली खबर है, जिला हमीरपुर से, हमीरपुर में पंसाई पंचायत और मालंग गाँव के 2 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित। अगली खबर है, जिला ऊना से, छात्रों ने पूर्व सैनिक के खाते से उड़ा लिए 1,37,000 रुपये। अगली खबर है, जिला मंडी से, IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने 1400 रुपये में बनाया पैर चलित हैंड सैनिटाइजर। अगली खबर है, हिमाचल में शराब और पेट्रोल होगा महंगा, आदेश जारी। 31 अगस्त तक अपने ऋणों को समय पर चुकाने वालों को 4% की छूट। तो आज है 2 जून 2020, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी इन खबरों के बारे में हम आपको देंगे। पर सबसे पहले, अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहली खबर है, हिमाचल में कर्फ्यू ढील बढ़ी, जाने कौन से जिले में कितने घंटे खुली रहेंगी दुकानें। हिमाचल में 14 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन सभी जिलों में दुकानें खोलने का समय अलग अलग है। मंडी, सिरमौर, सोलन, कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर में 14 घंटे तक दुकान खोल सकेंगे, जबकि चंबा में 8, शिमला में 9, ऊना में सबसे ज़्यादा 15 घंटे तक दुकान खोल सकेंगे और बिलासपुर में 13, किन्नौर में 9 घंटे तक दुकान खोल सकेंगे। मंडी, सिरमौर, सोलन, कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर, इन सभी जिलों में सुबह 6 से शाम 8 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। इसके अलावा जिला शिमला में सुबह 10 से रात 7 बजे तक दुकान खोल सकते हैं, किन्नौर में सुबह 9 से रात 7 बजे तक, बिलासपुर में सुबह 7 से रात 8 बजे तक, चंबा में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक और ऊना में सुबह 5 से रात 8 बजे तक दुकान खोल सकते हैं। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल में 28 जून तक दस्तक दे सकता है मानसून। हिमाचल में मानसून 28 जून तक दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देश में अगर मानसून कमजोर नहीं पड़ता है तो 20 जून तक प्रदेश में प्री मानसून की बौछारें शुरू हो सकती हैं। आज प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 जून को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वती जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। पूरे प्रदेश में 7 जून तक मौसम खराब रहने की संभावना है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, बाहर से आए लोगों को SMS से मिलेगी नौकरी की सूचना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को कोरोना के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में आने वाले प्रवासियों के डाटा बेस बनाने को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से विकसित स्किल रजिस्टर शुरू किया। कहा कि इच्छुक व्यक्ति skillregister.hb.gov.in पर पंजीकरण करवा सकते हैं। विभिन्न कंपनियां और औद्योगिक घराने भी इस पोर्टल पर अपनी आवश्यकताएं दर्ज करवा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में लौटे लोग शैक्षणिक योग्यता, कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी अपलोड कर सकते हैं। CM ने कहा कि यह पंजीकरण मोबाइल और आधार नंबर पर आधारित होगा, लोगों को SMS से सूचित किया जाएगा। कहा कि इससे राज्य में उपलब्ध कौशल की पहचान करने और कौशल आवश्यकताओं के विश्लेषण में सहायता मिलेगी। यह उद्योगों को एक क्लिक पर कुशल श्रम शक्ति के बारे में जानकारी देने में सिद्ध होगा। कौशल के बारे में रिपोर्ट जिलावार, शैक्षणिक योग्यतावार और कार्य अनुभव के अनुसार तैयार की जाएगी। जुलाई में लिया जाएगा शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में शैक्षणिक संस्थानों को अभी खोलने का फैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला जुलाई महीने में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश से यह जानकारी दी। इसके अलावा अगली खबर है, प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर 43 रुपये और व्यावसायिक सिलेंडर 110 रुपये महंगा। हिमाचल में गैस रसोई सिलेंडर 43 रुपये महंगा हो गया है। जून से घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 634 रुपये तय हुआ है। होम डिलीवरी के अलग से 52 रुपये देने होंगे। इस माह में सिलेंडर लेने के लिए कुल 687 रुपये देने होंगे। केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी राशि भी तय नहीं है और इसके अलावा व्यावसायिक सिलेंडर भी 110 रुपये महंगा हो गया है। इस माह में व्यावसायिक सिलेंडर 1172 रुपये में मिलेगा।
इसमें 59 रुपये अलग से डिलीवरी चार्ज भी शामिल है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, हिमाचल में 9 नए कोरोना मरीज, अब 340 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल में कल 9 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, इनमें 4 चंबा जिले से, सोलन से 2, मंडी, हमीरपुर और ऊना से एक एक नया मामला सामने आया है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 340 पहुंच गया है और 213 एक्टिव केस हैं, जबकि 118 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इस दिन होगी डीएलएड की कॉमन प्रवेश परीक्षा। कृषि विश्वविद्यालय ने दाखिले के लिए मांगे आवेदन। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड के कॉमन प्रवेश परीक्षा 2020 का शेड्यूल जारी किया है। अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के लिए 21 जून से 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कॉमन प्रवेश परीक्षा 12 अगस्त को प्रातः 11 से 1 बजे तक प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में करवाई जाएगी। परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 600 रुपये, SC ST OBC और PHH के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अगली खबर है जिला हमीरपुर से। हमीरपुर में पंसाई पंचायत और मालंग गांव के 2 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित। 2 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद नदौन उपमंडल की पंसाई पंचायत और मालंग के 2 वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इसके आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा अगली खबर है जिला ऊना से। सातरों ने पूर्व सैनिक के खाते से उड़ा लिए 1,37,000 रुपये। सातरों ने गगरेट के साथ लगते गांव संग्रही काला पंगा के प्रकाश चंद को 1,37,000 का चूना लगा दिया। अज्ञात नंबर से फोन आने पर सेवानिवृत्त सैनिक प्रकाश चंद ने सातिर को अपने बैंक खाता नंबर की पूरी जानकारी दे दी। इसके बाद 28 और 29 मई 2 दिन में ही खाते से लगभग 9 बार पैसे निकले। इसी दौरान खाते से लगभग 1,37,000 रुपये निकल गए। इसके अलावा अगली खबर है जिला मंडी से। IIT के वैज्ञानिकों ने 1,400 रुपये में बनाया पैर चलित हैंड सैनिटाइजर। COVID-19 का खतरा कम करने को IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने महज 1,400 रुपये में पैर चलित हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर और 35,000 से UVC डिसइंफेक्शन बॉक्स तैयार किए हैं। अल्ट्रा वायलेट सी प्रकाश आधारित पोर्टेबल डिसइंफेक्शन बॉक्स वॉलेट, पर्स, चाबी, चश्मे, बैग, कुरियर के पैकेज में पार्सल आदि मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड की चीजों को अनसंक्रमित कर COVID-19 फैलने का खतरा कम करेंगे। यह वायरस ऐसी चीजों की सतहों पर 3 दिन तक रह सकता है। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल में शराब और पेट्रोल होगा महंगा, आदेश जारी। सरकार ने शराब पर लगने वाले विशेष सेस और पेट्रोल डीजल पर बड़े वैट की अधिसूचना लागू कर दी है। पिछले दिनों कैबिनेट ने विभिन्न प्रकार की शराब पर 5, 10 और 25% अतिरिक्त को कोविड सेस लगाने को मंजूरी दी थी। साथ ही पेट्रोल डीजल पर सीधे तौर पर 1-1 रुपये प्रति लीटर की दर से वैट में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके अलावा अगली खबर है, 31 अगस्त तक अपने ऋणों को समय पर चुकाने वालों को 4% की छूट। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों के लिए ऋण के मानकों में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। जो किसान 31 अगस्त तक अपने ऋणों को समय पर चुकाएंगे उन्हें ऋण पर 4% की छूट मिलेगी, जो राज्य किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। दोस्तों, ये थी आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। डेली इसी तरह से खबरों के लिए आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज इट्स कानिश में देख रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।